अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर नाइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नॉमन क्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिमेनिंग रूल्स स्टडी करेंगे प्रीवियसली आपने आ, कुछ रूल्स स्टडी किए थे और आपने देखा था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफिकेशन के अतबार से पोली और मोनो सब्सटीट्यूटेड बेजीन में डिवाइड किया गया है और लास्ट जो तो थ्री रूल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे तो वहाँ हमने जो है मोनो सब्सटीट्यूट बेंजीन डेरिवेटिव्स को लिया था और उनके रूल्स देखे थे कि किस तरह आप जो है सबसे पहले सब्सटिट्यूंट का नेम लिखते हैं और फिर बेंजीन लिखते हैं और उन्हें वन वर्ड की तरह मेंशन करते हैं और सेकंड में आपने देखा था कि कुछ स्पेशल नेम हो तो आप उसे भी प्रेफरेंस देंगे वायल राइटिंग द नेम फिर आपने एक मज़ीद रूल स्टडी किया था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्सिटिट्यूंट हो तो पहला सब्सिट्युएंट तो कहीं पर भी रिंग में आ सकता है समा सकता है लेकिन जब सेकेंड सब्सिट्युएंट आएगा तो रिंग उसे तीन पोजिशन ऑफर करेगी और वो तीन पोजिशन थी ऑर्थो मैटा एंड पेरा तो आपका इनकमिंग जो सब्सिट्युएंट है सेकेंड वो ऑर्थो मैटा और पेरा पर आकर अटैच होता था तो ये हमने थ्री रूल्स स्टडी किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आज हम मजीद जो रिमेनिंग रूल्स रह गए हैं वो स्टडी करेंगे और ये सारे रूल्स अब जो है पोली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव से ताल्लुक रखते हैं यानी ऐसे बेंजीन के डायरेवेटिव जिनमें एक से ज्यादा सब्सिट्यूशन अटैच होगी और उनमें आप रूल्स को कैसे फॉलो करोगे वो आप स्टडी करेंगे प्रीवियसली आपने सिंपल केसेस को देखा था जिसमें आपके पास मोनो का केस होता था या एक जैसे सब्सिट्यूंट्स लगे होते थे अब हम डिफरेंट नोयत के सब्सिट्यूंट्स को देखेंगे अपनी एग्जांपल्स में रूल नंबर फोर से स्टार्ट लेते हैं रूल नंबर फोर हमें कहता है इफ टू आर मोर सब्सिट्यूएंट आर डिफरेंट अगर दो या दो से ज्यादा आपकी रिंग का हिस्सा हैं और वो सब डिफरेंट नोयत के हैं तो फिर आप कैसे काम करेंगे देन द सब्सिट्युएंट दैट इज ट्रीटेड एज अ हाई प्रायोरिटी ग्रुप यानी फिर जो आपका सब्सिच्यूएंट होगा उसमें कंपटीशन डेवलप हो जाएगा क्योंकि वो एक से ज्यादा है हैं और डिफरेंट हैं तो फिर आप किस सब्सिट्यूंट को लेंगे आप प्रायोरिटी ग्रुप के लिहाज से उनको जो है असाइन करेंगे नंबर यानी आपने फिर क्या देखना होगा प्रायोरिटी लिस्ट को चेक करना है अभी हम लिस्ट भी देखेंगे इज गिवन द नंबर वन पोजिशन इन द बेंजीन रिंग यानी आप उस सब्सिट्यूंट को हाइएस्ट जो है प्रायोरिटी में रखेंगे और पोजिशन वन देंगे जो प्रायोरिटी ग्रुप में नंबर वन पर होगी और अदर ग्रुप्स आर नंबर्ड बाई काउंटिंग फ्रॉम पोजिशन वन इन द मैनर विच गिव द लोस्ट नंबर यहां पर दो बातें हैं पहली बात यह कि डिफरेंट नोयत के सब्सिटेंट आपके रेंक का हिस्सा बन चुके हैं और फिर आपने उनको नाम कैसे देना है आपने उनको पोजीशन कैसे देनी है आपने प्रायोरिटी ग्रुप में एक प्रायरिटी लिस्ट है एक ऑर्डर है उसको फॉलो करना है अब उसमें जो पहले दर्जे पर होगा आप उसको तो नंबर वन पोजिशन दे देंगे इस रूल के इस पॉइंट के मुताबिक फिर जितने भी रिमेनिंग सब्सिट्यूट आपके रिंग का हिस्सा होंगे और रह जाएंगे उनको नंबरिंग नम्बरे, आपने कैसे देनी है जैसे आप किसी भी सब्सटीच्यूंट को कोशिश करते हैं कि लीस्ट नंबर दिया जाए तो पहली पोजीशन वाले सब्सटीच्यूंट को तो आपने नंबर वन दे दिया बाकी जितने भी आपके सब्सिट्यूंट रिमेनिंग रह जाएंगे उन्हें जो है अकॉर्डिंग टू द रूल के किस सब्सिट्यूंट को लीस्ट नंबर मिल रहा है उस फर्स्ट सब्सिट्युएं की राइट right या लेफ्ट साइड में जिस पोजीशन पर भी आपका नेक्स्ट जो सब्सिट्यूएंट लीस्ट नंबर हासिल करेगा या लोएस्ट नंबर उसे मिलेगा वहां से आप उस मैनर में जो पोजीशन को काउंट करेंगे ये चीज हम बाकायदा एग्जांपल में देखेंगे उसमें आप समझ पाएंगे कि ये कैसे फॉलो होगा अब यहां पर हमने एक लव्स यूज किया है प्रायोरिटी ग्रुप तो प्रायोरिटी ग्रुप देख लेते हैं ये लिस्ट है शॉर्ट सी जो आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है प्रायोरिटी लिस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स लेफ्ट से राइट right की तरफ जाएं तो एक प्रायोरिटी लिस्ट है ये चंद ही आपके ग्रुप्स हैं जो आप याद कर लेंगे और आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास कौन सा ग्रुप में ऑर्डर में कहां पर आ रहा है तो सबसे पहले इसमें है जी कार्बोक्सलिक एसिड का ग्रुप सीओ का ग्रुप फिर आ रहा है आपके पास सानो का ग्रुप सी फिर आपके पास आ रहा है एल डी हाइट देन इसके बाद ये सी ओ का ग्रुप है ये कीटोनिक ग्रुप को शो करता है अल्काइल कीटोन जो होती है फिर हाइड्रोक्सल ग्रुप ओ OH को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बाद आपके पास आ रहा है NH2 का ग्रुप और ये साथ जो है ये विलेंसी को शो कर रहे हैं तो ये डिफरेंट किस्म के है ये है अमाइनो ग्रुप और साथ ही इसके बाद ये आपके पास ओ आर का ग्रुप आ रहा है यानी अल्कोक्सी ग्रुप आर अल्काइल ग्रुप होता है और अगर वो उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाए तो अल्कॉक्सी बन जाता है और लास्ट में जी आर यानी अल्काइल ग्रुप तो ये प्रायोरिटी लिस्ट है जो लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड कर रही है और सबसे प्रायोरिटी पहले काबॉक्सलिक एसिड की है फिर सायनो है फिर एल्डीहाइड है फिर कीटोन्स हैं फिर हाइडोक्सल है अमाइनो है अल्कॉक्सी ग्रुप्स हैं और लास्ट में हमारे अल्काइल ग्रुप्स आते हैं तो आपने इस जो है चेन को फॉलो करना है इसके मुताबिक जो है दर्जाबंदी की जाएगी डिफरेंट ग्रुप्स की अब इस चीज को फॉलो करते हुए आप ये दो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि कैसे इन पर ये रूल अप्लाई होगा आ, पहली एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो इसमें एक रिंग है और उसमें दो सब्सिट्यूएंट लगे हुए हैं तो ये आपका पोली सब्सटीच्यूटेड केस भी बन गया बेंजीन डेरिवेटिव भी है और थर्ड थिंग इसमें डिफरेंट नौत के आपके पास सब्सिट्यूएंट लगे हुए हैं तो अब आप फौरन से सबसे पहले अपने माइंड में लेकर आएंगे क्या ये दोनों सब्सिट्यूएंट आपकी प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा है तो डेफिनेटली है एन एच टू भी इस आ, आपके पास सिस्टम में आ रहा है ये वाला और सी एच ओ भी इस ग्रुप में आ रहा है और अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों में से जो एल्टी हाइट का जो ग्रुप है वो प्रायोरिटी लिस्ट में पहले है बनिस्पत एन एच टू के तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे द सबस्टिट्यूंट दैट इज ट्रीटेड एज अ हाइस्ट प्रायोरिटी इज गिवन द नंबर वन पोजिशन इन द रिंग तो बगैर सोचे समझे आपने याद किया हुआ है आपको ये फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए ये प्रायोरिटी लिस्ट तो आप सी एच ओ ग्रुप को देखकर नंबर वन दे देंगे अब इसमें दूसरी दर्जाबंदी कहां से होगी या तो ये नीचे से आप इसकी लिस्ट तो आप सी एच ओ ग्रुप को देखकर नंबर वन दे देंगे अब इसमें दूसरी दर्जाबंदी कहां से होगी या तो ये नीचे से आप इसकी राइट right साइड से शुरू करेंगे या लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे लेकिन राइट right साइड से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो इस सब्सिटेंट को सिक्स नंबर मिलेगा लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो इस अमाइनो सब्सिटेंट को लोएस्ट नंबर मिलेगा जो पॉइंट नंबर टू भी आपको रिफ्लेक्ट यहाँ पर कर रहा है कि अदर ग्रुप्स आर नंबर्ड बाय काउंटिंग फ्रॉम पोजीशन वन इन द मैनर विच देम द लोएस्ट नंबर क्या आपने इस तरह से नंबरिंग करनी है बाकी ग्रुप्स की आपने फर्स्ट को तो जो है डिसाइड कर लिया कि ये प्रायोरिटी में सबसे नंबर वन पर है देन आपके पास सवाल उठता है कि आपने पोजीशन कैसे असाइन करनी है आपने नेक्स्ट जो रिमेनिंग सब्सिस्टेंट हैं उनकी लिस्ट नंबर देने की उन्हें कोशिश करनी है तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन नंबर टू पर अमाइनो ग्रुप अटैच है तो इस तरह थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो इस तरह से किसी भी स्ट्रक्चर में आप पोजीशन वन और बाकी रिमेनिंग पोजीशंस को एसेस करते हैं अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो है नाम लिखना नाम लिखने का वही तरीका है कि सबसे पहले आपने सब्सिट्यूंट को लिखना है और फिर पेरेंट चेन का को मेंशन करना होता है सब्सिट्यूंट हमारा यहाँ अमाइनो है और उसका कार्बन नंबर क्या है तीन बातें वही कि आपने कार्बन नंबर जिस पर सब्सिट्यूंट अटैच है फिर हाईफन लगाने हैं और फिर आपने उस सब्सिट्यूंट का नाम लिखना होता है देन जाकर आपने पेरेंट रिंग या पेरेंट चेन को मैंशन करना है बाय नेम तो यहाँ हमारा सब्सिट्यूंट है अमाइनो जो कि कार्बन नंबर टू पर मौजूद है तो पहले आप टू लिखेंगे फिर हाइफन फिर अमाइनो कैपिटल लेटर के साथ फर्स्ट लेटर और उसके साथ आपने कोई स्पेस नहीं देनी जो आपने प्रीवियस रूल्स में भी पढ़ा सी एच ओ अगर रिंग के साथ अटैच हो तो ये एक स्पेशल इसे क्लास स्पेशल नेम देता है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था बेनजलडी हाइट तो ये नाम आ जाएगा टू अमाइनो बेनजल्डी हाइट इस तरह से बहुत सिंपली आप ये रूल फॉलो करके किसी भी स्ट्रक्चर का नेम दे सकते हैं कंडीशन है कि आपको लिस्ट पता होनी चाहिए सेकंड जो इसके साथ स्ट्रक्चर है अगर आप इस स्ट्रक्चर पर गौर करें तो इसमें अगेन दो सब्सिट्यूट लगे हुए हैं रिंग के बाहर एक है जी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप और दूसरा है हाइड्रोक्सल ग्रुप अगर आप इन दोनों को देखें तो ये दोनों हमारे पास लिस्ट के अंदर मौजूद है बाकायद तो नंबर वन प्रायोरिटी पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉल कर रहा है देन हाइड्रोक्सल ग्रुप आ रहा है तो सिंपली रूल के अकॉर्डिंग आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन को नंबर वन दे देंगे उसके बाद राइट एंड लेफ्ट में जाने के लिए आपको सेकंड सब्सिट्यूंट को लीज नंबर देना है तो आप राइट साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि राइट साइड से नंबरिंग पर वन टू थ्री कार्बन नंबर असाइन होता है और लेफ्ट साइड से नंबरिंग पर वन के बाद टू थ्री फोर फाइव नंबर मिलेगा तो थ्री इज द लीस्ट नंबर सो राइट हैंड साइड से हम नंबरिंग करेंगे और इस तरह नंबरिंग करने के बाद हम तीसरी चीज क्या करेंगे नाम लिखेंगे अगेन यहां हमारा सब्सिट्यूंट हाइड्रोक्सल बनेगा तो उसके लिए भी तीन बातें फॉलो करेंगे हम उसका कार्बन नंबर जिस पर वो अटैच है थ्री फिर हाइफन फिर उस सब्सटीच्यूंट का नाम जो कि हाइड्रोक्सल है तो ये क्योंकि सब्सिट्यूंट है तो ये हाइड्रोक्सी कहलाएगा दिस इज हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी के बाद ये आपके पास जो रिंग है जिसमें सीओ एच का ग्रुप अटैच है जो कि पेरेंट रिंग है यहाँ पर प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पर फॉल कर रही है इसका एक स्पेशल नेम है जिसे हम आ, कहते हैं बेंजोइक एसिड तो आपने बगैर किसी स्पेस के वन वर्ड की तरह इस नेम को लिखना है थ्री हाइफन हाइड्रोक्सी एसिड तो इस तरह से ये हमारा रूल नंबर फोर कंप्लीट हो गया अब हम नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर फाइव रूल नंबर फाइव कहता है इफ द टू सब्सिट्यूंट आर डिफरेंट अगर दो सब्सिट्युएंट हैं और वो डिफरेंट नोयत के हैं जो कि आपने अभी रूल नंबर फोर में भी देखा एंड दे आर नॉट इन द प्रेजेंट इन द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट पर केस ये है कि वो प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट में है ही नहीं वो ग्रुप्स अभी तो आप जो केस देख रहे थे वो डिफरेंट भी थे और एक से ज्यादा भी थे लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा थे अब जो आप ग्रुप्स देख रहे हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट का हिस्सा नहीं है दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो उन्हें आप अल्फाबेटिकली लेकर चलेंगे यानी उनकी नेमिंग जब आप करेंगे तो नेम में आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होगा ये नेम के लिए है और फिर आपने जो लास्ट नेम होगा सब्सिट्यूएंट का जो अल्फाबेटिकली लास्ट आ रहा होगा नेम के सब्सिट्यूएंट से उसको आपने पोजीशन वन देनी है बाय नंबर यानी नेमिंग में आपने अल्फाबेटिकली चले लेकिन नंबरिंग में आपने जो अल्फाबेटिकली आखिर में आ रहा है जिसको आपने बिल्कुल एंड पर मैंशन किया है उसको पोजिशन आपने नंबर वन देनी है तो यहां पर दो बातें हैं जो समझने की हैं यानी आप पहला जो काम आप करते हो वो सब्सिट्यूंट का को नंबर देते हो और सेकंड जो काम आप करते हैं वो फिर उसका नाम लिखना होता है तो स्टार्ट नंबरिंग द से नंबरिंग करनी है आपने सब्सिटेंट की फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर और फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो लास्ट पर आएगा यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लास्ट पे आपका ग्रुप बनता है आपने वहां से नंबरिंग शुरू करनी है तो इस चीज को समझने के लिए पहले हम इन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं जैसे कि इस रिंग में आयोडो और क्लोरो ग्रुप एज अ सब्सिटेंट एक्ट कर रहे हैं और दोनों प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा नहीं है और अगर आप इनके नेम को देखें तो ये आयोडो है और ये क्लोरो है तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है आयोडो जो ग्रुप है वो लास्ट में आता है चूंकि ये लास्ट में आता है तो नंबरिंग लास्ट वाले से शुरू होनी है तो आपने इसको नंबर वन दे दिया इसी तरह सात वाले बराबर के स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखें तो नाइट्रो ब्रोमो ये दो ग्रुप्स हैं जो आउटसाइड द रिंग हैं और के तौर पर एक्ट कर रहे हैं और अल्फाबेटिकली देखा जाए तो नाइट्रो अल्फाबेटिकली लास्ट में आता है तो यहां से नंबरिंग शुरू होगी इस रूल के अकॉर्डिंग तो ये नंबर वन कहलाएगा यानी आप अल्फाबेटिकली चलेंगे तो सही नाम लिखते वक्त तो ये था नंबरिंग का दर्जा कि आपने कैसे नंबरिंग करनी है अब सवाल पैदा होता है नेमिंग का कि अब आप सब्सटीच्यूएंट्स को नाम कैसे देंगे डिफरेंट सब्सटीचुएंट्स हैं तो किसी एक ने तो पहले आना है तो उसमें आपने सिंपली अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करना है जो फर्स्ट में अल्फाबेटिकली आता है आप नेम उसका पहले लिखेंगे लेकिन नंबरिंग के दौरान आप जो अल्फाबेटिकली लास्ट आएगा उधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तो इस तरह दोनों को एक खास हद हाँ तक हैसियत दी गई एक को नंबरिंग में दे दी गई एक को नेमिंग uh, में दे दी गई और अगर नंबरिंग का एतबार देखें तो आप देख सकते हैं कि अब आपने स्ट्रक्चर का नेम लिखना है तो आपके अपने नंबरिंग तो आयोडो को दी थी लेकिन आप नेम लिखते वक्त क्या करेंगे क्लोरो और आयोडो में से अल्फाबेटिकली नेमिंग के लिहाज से ये आता है पहले तो आप पहले इसके बारे में बताएंगे और इसकी वही तीन चीजें इसका कार्बन नंबर जिसके साथ ये अटैच है फिर हाइफन और फिर इसका नाम लिहाज से ये आता है पहले तो आप पहले इसके बारे में बताएंगे और इसकी वही तीन चीजें इसका कार्बन नंबर जिसके साथ ये अटैच है फिर हाइफन और फिर इसका नाम तो ये कार्बन नंबर थ्री पर अटैच है चूंके फिर हाइफन आ जाएगा और क्लोरो है और उसके बाद आप पोजीशन नहीं मेंशन करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट सब्सिट्यूट है क्योंकि वो पेरेंट है और एक ही रह गया है तो अगर कोई और होता तो हम उसकी पोजीशन लिख रहे होते हैं जो पेरेंट चेन होगी वो अंडरस्टूड है कि वो नंबर वन पर है सो so, आप यहां पर सिंपली uh, लिखेंगे आयडो और ये रिंग रिप्रेजेंट करेगा बेन्सिन को और कोई स्पेस आपने नहीं देनी इसी तरह इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें अल्फाबेटिकली फर्स्ट ब्रोमो आता है तो ये कार्बन नंबर टू पर मौजूद है तो टू हाइफन ब्रोमो तो ये आपके पास जो रिंग कहलाएगा नाइट्रोबेंजीन तो इस तरह आप रूल नंबर फाइव को फॉलो करेंगे एरोमेटिक करने के लिए है कहता है, molecule, अगर कोई सब्सिटेंट आपके रिंग पर मौजूद है अटैच है और वो उसे स्पेशल नेम दे रहा है जैसा कि आपने रूल नंबर टू में भी पढ़ा था देन स्पेशल नेम इज यूज एज अ पेरेंट नेम टू द मॉलिक्यूल फिर आप सिंपल नेम नहीं लिखेंगे फिर आप स्पेशल नेम को ही प्रेफरेंस देंगे नेमिंग वाइल्ड नेमिंग दी स्ट्रक्चर वाइल्ड नेमिंग द कंपाउंड सो ये आपका पहला स्ट्रक्चर है अब इसमें दो हाइड्रोक्स एक हाइड्रोक्सल है एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है uh, क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में पहले है तो आपने इसे नंबर वन दे दिया और इसके बाद आप कहीं से भी नंबरिंग करें तो आपका जो नेक्स्ट अमाइनो का सब्सिट्यूंट है उसको ए की पोजीशन सेम पोजीशन मिल रही है तो लिहाजा आपने नंबरिंग राइट साइड से कर ली सपोज तो आपने नंबरिंग की तो इसका नेम कैसे आप लिखेंगे पहले सब्सिट्यूंट का नाम लिखेंगे सब्सटीट्यूंट uh, का नाम कैसे लिखा जाएगा फोर फिर हाइफन फिर अमाइनो फिर ये आपके पास क्या कहलाएगा फिनोल क्योंकि ये ओ OH एच जब रिंग के साथ अटैच होता है तो ये हाइड्रोक्सी बेंजीन बनती है लेकिन स्पेशल नेम है चूंकि इसका तो ये बनेगा फोर अमाइनो फेनोल इसी तरह इसके साथ वाला एक और स्ट्रक्चर है जिसमें एक uh, सल्फोनिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है और एक क्लोरो का ग्रुप लगा हुआ है और प्रायोरिटी लिस्ट में ये दोनों नहीं है तो आपने सिम्पली uh, जो एल्फाबेटिकली लास्ट आएगा उसको नंबर वन दे देना ने। और नेमिंग के दौरान आपने एल्फाबेटिकली फर्स्ट को फॉलो करना है तो यहाँ पे दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में थे यहाँ पे दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है तो आप क्या करेंगे जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट है आप उसको पहले मेंशन करेंगे उसका कार्बन नंबर फोर बनेगा क्लोरो का फिर हाइफन फिर क्लोरो और इस ग्रुप को क्योंकि ये स्पेशल नेम दिया जाता है आपने सिक्स नेम याद किए थे ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज कॉल्ड बेनजीन सल्फोनिक एसिड और बगैर किसी स्पेस के आप इस नेम को आ, साथ ही अटैच लिखेंगे तो ये हो जाएगा फोर हाइफन क्लोरो बेनजीन सल्फोनिक एसिड नेक्स्ट हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जिसमें रिंग है और रिंग में एक तरफ सी एस थ्री है और एक तरफ आई है और ये क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा है अल्काइल और ये नहीं है तो आपने नंबरिंग यहां से की वन उसके बाद इसको लीज नंबर देने के लिए आपने यहाँ सेकंड नंबर इसको असाइन किया अब आप जब सब्सिट्यूंट का नाम लिखेंगे तो ये सब्सिट्यूंट है तो इसकी पोजिशन मैंशन करेंगे टू देन फिर आपके पास हाईफन फिर आयडो और ये आपके क्यूँके पास ये मिथायल बेंजीन है और ये स्पेशल नेम देता है जिसे हम टोलाइन के नाम से जानते हैं तो आप टोलाइन लिखेंगे टू हाइफन आयोटो तो इस तरह से आप सबस्टिट्यूंट जो रिंग पर अटैच हैं और स्पेशल नेम देते हैं तो स्पेशल नेम ही जो है इस्तेमाल करेंगे अब हमने कल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखे थे क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट नंबर ए ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कम्पाउंड उसके रिमेनिंग पोर्स आज हम देख लेते हैं टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स हाइफन टाइनाइटोटोलाइन तो इसमें आपको बताया था मैंने कि आपने सबसे पहले पेरेंट चेन को चेक करना होता है कि पेरेंट क्या है आपका आपने रिंग बनानी है और पेरेंट यहाँ पे टोलोइन है तो रिंग बनाने के बाद आप ऊपर सीएसटी लगा देंगे कार्बन वन पोजीशन पर टॉप पर उसके बाद आप नंबरिंग अपनी मर्जी से करेंगे क्योंकि यहाँ रूल फॉलो नहीं होगा आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबरिंग दे दी आपने नंबरिंग देने के बाद आपने क्या करना है कार्बन नंबर टू पे नाइट्रो लगा देना है कार्बन नंबर फोर पे भी नाइट्रो लगा देना है और कार्बन नंबर सिक्स पे भी नाइट्रो लगा देना है तो इस तरह से तीन नाइट्रो यहां पर आ जाएंगे और ये स्ट्रक्चर आपका कम्पलीट हो जाएगा जो क्वेश्चन की डिमांड है सेवन पार्ट में वो कहता है एम यानी मेटा पोजिशन पर नाइट्रोफिनोल फिनोल आपका यहाँ पे पेरेंट है तो आप रिंग बनाकर सिंपली टॉप पर वो लगाएंगे फिर सेकंड काम आपका क्या होगा नंबरिंग नंबरिंग करने के बाद आप मेटा पोजीशन पर नाइट्रो लगाएंगे आपने प्रीवियसली इन डिटेल पढ़ा कि ये ऑर्थो पोजीशन होती है फर्स्ट सब्सिट्यूंट के साथ फिर ये मेटा होती है कार्बन नंबर थ्री पर और कार्बन नंबर फोर पर, पर पैरा पोजिशन होती है तो मेटा डिमांड की, की गई है तो मेटा पर आप नाइट्रो लगा देंगे नेक्स्ट एट में वो कहता है पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन तो पैरा पोजीशन आपने क्या करना है ये बेंजीन है बेंजीन पेरेंट है तो ये बेंजीन आपने क्या करना है बेंजीन पेरेंट है. है तो ये बेंजीन को आपने इन्वर्टेड कर दिया थोड़ा फ्लैट कर दिया अब इसकी टॉप जो पोजीशन हैं ये पैरा पोजीशन है ये, ये कार्बन नंबर वन बनती है ये कार्बन नंबर फोर बनती है जो आपने फ्लैट डाउन की तो इस तरह से है कार्बन नंबर वन पर भी आपने बेंजाइल का ग्रुप लगाया है एक ये बेंजाइल कहते हैं अगर रिंग के साथ सी एच टू अटैच हो तो ये पूरा ग्रुप बेंजाइल कहलाता है एक बेंजाइल एक पैरा पर और दूसरे पैरा पर जो कार्बन नंबर फोर बनती है उस पर दूसरा आपके पास बेंजाइल का ग्रुप अटैच है तो ये बनेगा पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन सो इस तरह से स्ट्रक्चर का नेम आप जो है देखकर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं लास्ट में इस क्वेश्चन का जो पार्ट है टू अमाइनो फाइव ब्रोमो थ्री नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसमें वो आपसे कह रहा है कि ये ज्यादा सब्सिच्यूट हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपने सबसे पहले पेरेंट को देख लेना है सल्फोनिक एसिड इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द पेरेंट रिंग हेयर तो आप रिंग बनाएंगे रिंग बनाने के बाद आप टॉप पर एसओ थ्री एच यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ग्रुप अटैच करेंगे और फिर आप नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर सेकेंड पर आप अमाइनो लगा देंगे एनएच और फाइव पर आप क्या लगाएंगे ब्रोमो का ग्रुप बी और थर्ड पर क्या लगाएंगे थर्ड कार्बन पर आप नाइट्रोक ग्रुप अटैच कर देंगे तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड मुकम्मल हो जाता है अब एक और क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज से रेलिवेंट है क्वेश्चन नंबर एट राइट आयोपेक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स उसमें ए पार्ट है कि एक स्ट्रक्चर दिया गया और आपसे कहा गया कि इसका नाम बताएं भाई आयोपैक तो आपने देखना है भाई इसमें ये आयोपेक सिस्टम में ये प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहा है सी और बाकी ये नहीं है बाकी दो तो है तो आपने यहां पे नंबर वन दे देना है और इसके बाद आप कहीं से भी नंबरिंग करें आपको सब्सिट्यूट इक्वल पोजीशन पर मिल रहे हैं तो आपने राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर दी अब आप सब्सिट्यूंट का जब नाम लिखेंगे तो आप अल्फाबेटिकली चलेंगे अल्फाबेटिकली ब्रोमो uh, पहले आएगा तो फोर पर मौजूद है ये फोर हाइफन ब्रोमो फिर टू और सिक्स पर एक जैसे सब्सिट्यूंट हैं तो आप कॉमा लगाकर उसी रूल के अकॉर्डिंग जैसे आप किया करते हैं सेम सब्सिट्यूएंट्स के लिए डाई मिथाइल लिखेंगे उसका नाम और फिर बगैर किसी स्पेस के इस रिंग का जो स्पेशल नेम है बेन्जल्डी हाइट वो मेंशन करेंगे बी पार्ट में भी कुछ इस तरह से ही है सिलसिला इसमें आप देखें तो मिथाइल अल्काइल ग्रुप आपका एक कार्बन पर मुश्तमिल और फिर दो कार्बन पर ये आपके प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं एक कार्बन वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी फिर दो को और देन आगे आपके पास जो चेन फॉलो होगी लेकिन नंबरिंग करते वक्त क्योंकि ब्रोमो भी एक सबसे चुन यहां पर मौजूद है तो आपने इस इधर से जो है नंबरिंग करनी है ताकि इसको लीस्ट नंबर मिले तो लीज नंबर आपके पास यहां से मिलेगा थ्री फिर फोर और नाम लिखते वक्त आप ब्रोमो को पहले लेकर आएंगे अल्फाबेटिकली थ्री हाइफन ब्रोमो फिर फोर पर आपका इथाइल है और इस स्पेशल कंपाउंड को टोलोइन कहते हैं लास्ट में एक और सी पार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं प्रायोरिटी लिस्ट में हाइड्रोक्सन ग्रुप मौजूद है तो आपने नंबर वन देना है इसको इसके बाद आप ब्रोमो और फिर आपके पास यहां से नंबरिंग करेंगे अल्फाबेटिकली चलेंगे तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सी आपका फॉलो हो जाएगा सेकंड पे ब्रोमो पहले नाम आएगा इसका फिर फोर पे क्लोरो हाइफन के साथ फिर हाइफन सिक्स पर आयोडो और फिर आप बगैर किसी स्पेस के इस कंपाउंड का नेम लिखेंगे फेनोल तो इस तरह से आप इन डिटेल रूल्स पढ़ें प्रैक्टिस कीजिए रिटर्न स्ट्रक्चर्स को लिखिए बारहा उनके नाम को एसेस कीजिए तो ये आपके कॉमन से जो है सिंपल uh, से रूल्स हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के और ये हमारा जो नॉमन का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया बेस्ट ऑफ लक